नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। बांसवाड़ा के पाडोली गोवर्धन में पली बड़ी हेमा निनामा ने पाई पाई बचाकर जमा राशि से अपना जन्मदिन असहाय बच्चों के साथ मनाया। हेमा घाटोल क्षेत्र की रहने वाली है और अपने व्यस्त जीवन में पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा का कार्य भी करती है। कभी ब्लड डोनेट करना तो कभी दुखी इंसान को हंसाना जैसे मानव सेवा करने में जुटी हेमा ने फिजूल खर्च बंद कर पाई पाई जोड़कर बच्चों के साथ केक काटा और 100 से ज्यादा बच्चों को भोजन करवाया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज गया है। ऐसे में वाणिज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर ने आचार संहिता की सख्ती से पालना करवाने के लिए सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सुरपुर ने कहा, विभाग द्वारा अन्य विभागों और पुलिस आरटीओ एवं आबकारी विभाग से सामंजस्य स्थापित कर निर्वाचन में मतदाताओं को लुभाने के लिए सामग्री के परिचालन पर नियंत्रण रखना होगा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर अंशदीप ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों उनके कार्यकर्ताओं को चुनाव आचार संहिता की पूरी तरह से पालना करनी होगी। चुनाव आचार संहिता की किसी भी तरह से अवहेलना होने पर इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जानी चाहिए। नियम के अनुसार यदि संबंधित अवहेलनाकर्ता पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल या कैंडिडेट ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जातियों, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच तनाव हो सकता है। श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र के हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हेरोइन के मामले में एनडीपीएस के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके चलते मुरब्बा नंबर 38 के किला नंबर 25 में तस्कर के नवनिर्मित मकान को जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सीज किया गया है। इसी के साथ आमजन को नशे को लेकर भी संदेश दिया गया है। बीकानेर में नाबालिग के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामले में सरकारी स्कूल के दो शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़िता के पिता ने पैरा टीचर हंसराज मेघवाल पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं स्कूल के शिक्षक रमेश पर जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप है, जिस पर पुलिस ने पैरा टीचर को राउंड अप किया है। DYSP विनोद कुमार पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। नाथद्वारा उपखंड से लेकर उदयपुर के बीच नेशनल हाईवे 8 के दोनों तरफ अंधाधुंध सैकड़ों हरे पेड़ों की कटाई के साथ पहाड़ों की खुदाई हो रही है। इन क्षेत्रों में दिन रात JCB, LNT, पोकलैंड जैसी बड़ी बड़ी मशीनों से लगातार पहाड़ियों की खुदाई के साथ पेड़ों की कटाई की जा रही है। इन पहाड़ों की खुदाई और पेड़ों की कटाई को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को पूरी तरह से पता होते हुए भी अनजान बना हुआ है। JCB, LNT और ट्रैक्टर चलाने वाले लोगों ने बताया कि हमको तो यहां पर पहाड़ों की खुदाई और पेड़ों की कटाई का ठेका दिया गया है, तो सिर्फ ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं। पहाड़ों की कटिंग से संबंधित अभी तक तो तहसील देलवाड़ा क्षेत्र में ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। मैं इसकी जांच करवाता हूँ, यदि इस तरह कोई प्रकरण होगा तो जो भी इससे संबंधित नियमानुसार कार्रवाई होगी मैं इसको करवा कर और पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण के संवर्धन हेतु मैं स्वयं पूर्णतया प्रयासरत हूँ। यदि मैं एक बार तहसील क्षेत्र में यदि इस तरह का प्रकरण आता है तो निश्चित रूप से नियमानुसार यहाँ कार्रवाई की जाएगी। हम मौके पर जाकर जैसा आप केवल पहाड़ों की कटाई वर्ड बोल रहे हैं तो पहाड़ों की कटाई संबंधित क्या है, यदि मैं खुद बताऊँ अभी कि एक बार मैं मेरी टीम को एक्टिवेट कर देता हूँ। यदि इस तरह का प्रकरण हमारे क्षेत्र में आता है तो उच्चतर अधिकारियों जो है उनके संज्ञान में प्रकरण लाया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो शीघ्र ही कड़ी से कड़ी सजा यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके संबंध में दी जाएगी। बिल्कुल टोटली जीरो टॉलरेंस वाली नीति इस संबंध में रहेगी हमारी। श्री गंगानगर में अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर के वार्षिकोत्सव और शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर 10 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य कांग्रेस नेता द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल गांधी पार्क में कांग्रेस नेता रामनिवास कुकना द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा था, जहां पार्क के बाहर मंत्री के पोस्टर लगी गाड़ियां खड़ी थी। इसकी सूचना सदर पुलिस को मिलते ही पुलिस हरकत में आई और गाड़ियों से पोस्टर हटवाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सांचौर से मौजूदा सांसद देवजी पटेल को मैदान में उतारा गया है और जब से टिकट मिला है तब से दो दिन से क्षेत्र में नाराजगी देखने को मिल रही है। पथमेड़ा से बड़सम के बीच देवजी के काफिले को घेरकर काले झंडे दिखाए गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देवजी पटेल 15 साल से लगातार सांसद है। विधायक की सीट के लिए जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी दावेदारी कर रहे थे लेकिन खुद टिकट ले आए। सांसद देवजी पटेल जो वर्तमान में अभी भाजपा प्रत्याशी हैं, सांसद से सुबह श्री गोदाम पथमेड़ा गोपूजन के लिए गए। हम वहाँ गोपूजन कर रहे थे उसी टाइम किसी कार्यकर्ताओं ने फ़ोन के करके हमें ये सूचना दी कि आप पथमेड़ा गौशाला से कुछ दूरी पर कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, हाथ में कुछ तख्तियाँ वगैरह हैं, काले झंडे हैं, जो मतलब आप पे हमला कर सकते हैं। तो हमने तुरंत वहाँ से जो दूसरा रास्ता चॉइस किया, रास्ता बदल दिया। हम आगे बढ़े तो एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी थी, उसने पीछा करना शुरू कर दिया और वो गाड़ी को आगे करने के लिए प्रयास करने लगा। तो हमने थोड़ी दूर तो उनको रोकने का प्रयास किया कि भाई ये क्योंकि गलत तरीके से आ रहा था, कहीं हमें डाउट हुआ कि ये हमला करेगा या कुछ भी करेगा।
तो हमने उसको गाड़ी को रोका, फिर जब रास्ता सोडा आया तो वो आगे बढ़ गया और गाड़ी को आगे लाके बार बार ब्रेक करने लगा और एक्सीडेंट करने का प्रयास करने लगा। 10:30 से 11 के दरमियान कि इस प्रकार से सांसद जो हमारे देवजी भाई पटेल हैं तो उनकी गाड़ी पे कुछ हमले की खबर आई, तो जब इस गाड़ी के इस घटना की जाँच की गई है और जितना भी वीडियो फुटेज दिखाया गया है तो प्राथमिक रूप से पाया गया कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर कारण से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो और उन्होंने गाड़ी का अवरोध किया रास्ते में, तो इस प्रकार की घटना है जो सामने आई है और इस घटना के ऊपर प्रकरण ऑलरेडी दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ स्वर्गीय हन्नी बन्ना रात्रि कालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेले गए। कमेटी के प्रताप दान ने बताया फाइनल मैच हबीब 11 और केके क्रिकेट ग्रुप के बीच खेला गया, जिसमें हबीब 11 ने केके क्रिकेट ग्रुप को हराकर 5 विकेट से जीत दर्ज की है। इस दौरान दर्शकों में काफी उत्साह नजर आया। आयोजन कमेटी ने सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का आभार प्रकट किया। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।